हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपने नोट्स के माध्यम से भारतीय रेलवे में होने वाले हॉट एक्सल की समस्या के बारे में जानेंगे, जिसमें उनके लक्षण, जिससे हॉट एक्सल को पकड़ा जाए, हॉट एक्सल का कारण, हॉट एक्सल के निवारण के समय हम क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, साथ ही हॉट एक्सल को समय रहते नहीं देखा जाए तो इसका क्या परिणाम होंगे, उसके बारे में जानेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। हॉट एक्सल, जब कोई जनरल, इसकी अगर परिचय की बात करें तो जब कोई जनरल या धुरा इतना गर्म हो जाए, यानी अपर्याप्त पहिया बियरिंग लुब्रिकेशन या यांत्रिक दोष, बियरिंग विफलता, वह चाहे कोच हो या बैगन, उसे रेक से अलग करने की आवश्यकता पड़ जाए, वह चाहे गाड़ी चलने वाले स्टेशन पर हो या रास्ते में किसी बीच के स्टेशन पर हो या ट्रेन समाप्त होने के स्टेशन पर हो, ऐसे जनरल को हम हॉट एक्सल कहते हैं। यदि अनिर्धारित है तो बियरिंग का तापमान तब तक बढ़ सकता है जब तक कोई बियरिंग बर्न ऑफ न हो, जो डीलमेंट का कारण बन सकते हैं, जिसे यानी हॉट एक्सल को हम रोलिंग इन और रोलिंग आउट के परीक्षण के दौरान हम आसानी से पहचान सकते हैं। इसके अगर लक्षण की बात करें तो पहले नंबर पर आंखों का इस्तेमाल करके देखें कि बियरिंग से ग्रीस तो नहीं निकल रहा, यानी एक्सल के चारों तरफ या व्हील पर ग्रीस का सिरकाव तो नहीं हो रहा। एक्सल बॉक्स, फ्रंट कवर या बियरिंग कहीं से क्षतिग्रस्त तो नहीं है। बियरिंग से धुआं या आग की लपटें तो नहीं निकल रही। बियरिंग का रंग भूरा या लाल तो नहीं हो गए। सूंघ कर देखें कि बियरिंग से ग्रीस के जलने की गंध तो नहीं आ रही। गाड़ी के चलने पर बियरिंग से कोई असाधारण आवाज़ तो नहीं आ रहे हैं। आजकल हम बियरिंग का तापमान नापने के लिए लेजर गन या नॉन कंटेक्ट थर्मामीटर, जो इन्फ्रारेड वेव से काम करते हैं, का इस्तेमाल करते हैं। ICF कोच में क्राउन बोर्ड के नीचे और एक्सल बॉक्स के ऊपर के तापमान हम मापते हैं, हॉट एक्सल की टेम्परेचर लेने के लिए, बियरिंग का टेम्परेचर लेने के लिए। जबकि LHB में हम कंट्रोल आर्म लग वाली साइड के लग के बराबर में तापमान को मापते हैं, जबकि CTRB जो हमारा बैगन वगैरह में लगे होते हैं, उसमें एडाप्टर के नीचे जो हमारा आउटर कप होते हैं वहाँ पर हम उसका तापमान मापते हैं। गाड़ी के रुकने के तुरंत बाद लेजर गन या नॉन कंटेक्ट थर्मामीटर से हम हर बियरिंग का तापमान नोट करते हैं, ताकि बियरिंग ठंडा ना हो जाए। किसी कोच में लगे आठों बियरिंग का तापमान में आपस में काफ़ी फर्क पाया जाता है। यदि किसी एक्सल में 65 डिग्री यानी 65 डिग्री सेल्सियस से अधिक पाया जाए तो इस स्थिति में हम निम्नलिखित कार्रवाई करेंगे, जिसमें पहले नंबर पर हमारा किसी कोच या बैगन के बियरिंग के तापमान में यदि 10 डिग्री सेल्सियस तक का अंतर हो तो बैगन या कोच को हम अगले स्टेशन तक जाने के लिए सुरक्षित है। सेकेंड हमारा है, यदि टेम्परेचर हमारा 10 से 15 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो तो इसकी जानकारी हम अगले स्टेशन को देंगे, ताकि वहां उसकी जांच फिर से की जा सके। अगर तापमान में 16 से 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो तो गाड़ी के साथ स्कॉट यानी परीक्षण स्टाफ साथ में जाएंगे और रास्ते में जब भी गाड़ी रुकेगी उसके तापमान को चेक करते रहें। ऐसा ना हो कि तापमान अधिक हो रहा हो, यह स्टाफ अगले स्टेशन यानी अगले TXR पॉइंट तक जाएंगे। यदि तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो तो बैगन या कोच को सर्विस में नहीं चलाएंगे। यदि किसी बैगन का तापमान 90 डिग्री सेल्सियस और कोच का तापमान 80 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो तो तब पर भी हम कोच और बैगन को सर्विस में नहीं चलाएंगे। नेक्स्ट है हमारा हॉट एक्सल की क्या कारण है इसके होने के, तो हमारा पहले नंबर पर बियरिंग में ग्रीस की मात्रा का कम या ज़्यादा होना,
अनुरक्षण के समय या बाद में बियरिंग का सीलिंग अरेंजमेंट खराब होने के कारण ग्रीस में धूल या पानी का मिल जाना, बियरिंग के किसी पुर्जे का टूट जाना या पुर्जों के मेटल चिप्स निकलकर ग्रीस में मिल जाना, बियरिंग के रेडियल और लेटरल क्लीयरेंस सीमा से जो हमारा फिक्स होता है उससे कम या ज़्यादा हो जाते हैं वो भी हमारा हॉट एक्सल का कारण बनते हैं। बियरिंग में ग्रीस की क्वालिटी का सही नहीं होना, रेल लाइन से अर्थिंग लेने के कारण बियरिंग में इलेक्ट्रिक बर्न होना, फेल्ट रिंग का खराब होना और एंड लॉकिंग बोल्ट का ठीक से टाइट न होने के कारण ये भी हमारा हॉट एक्सल का कारण बनते हैं, जो लॉकिंग प्लेट ठीक से फिट नहीं हो पाते हैं। इसकी अगर निवारण की अगर बात करें कि इसका निवारण कैसे किया जाए, तो पहले नंबर पर हमारा बियरिंग के अनुरक्षण के दौरान उचित मात्रा में हम ग्रीस का उपयोग करेंगे, जितना हमारा क्वांटिटी का जरूरत होगी और सही क्वालिटी का हम प्रयोग करेंगे। अनुरक्षण के समय यह सुनिश्चित करेंगे कि बियरिंग में धूल और पानी ना जाए और उसका सीलिंग अरेंजमेंट सही प्रॉपर ढंग से हो। बियरिंग में सही क्वालिटी का ग्रीस प्रयोग करेंगे। अनुरक्षण के समय यह सुनिश्चित करेंगे कि रेल लाइन से अर्थिंग ना लें और इलेक्ट्रिक बर्न वाली बियरिंग को चेंज कर देंगे। एंड लॉकिंग बोल्ट को सही से टाइट करेंगे ताकि उसका एंड लॉकिंग बोल्ट ढीला ना रह जाए और टॉर्क वैल्यू पर सेट हुई टॉर्क रिंग से ही हम इसको सेट करेंगे। अनुरक्षण के समय सही फेल्ट रिंग का उपयोग करेंगे। अब देखेंगे कि जो हम निवारण के समय हमें क्या क्या करना चाहिए, यानी हॉट एक्सल का जब होते हैं तो उसे बचने के लिए हमें क्या क्या करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए। लेकिन सबसे पहले देखेंगे हमें क्या करने चाहिए। तो हमारा पहले नंबर पर हमारा निर्धारित किए गए स्टेशन पर रैक का रोलिंग इन परीक्षण हम अवश्य करेंगे। सेकेंड हमारा है वेल्डिंग करते समय उचित स्थान पर अर्थ पायर का प्रयोग करेंगे ताकि इलेक्ट्रिक बर्न होने की समस्या हमारा बियरिंग में समाप्त हो जाएंगे। थर्ड हमारा है आरओएच और पीओएच के दौरान बियरिंग को घुमा कर देखें ताकि कोई उससे असाधारण आवाज़ तो नहीं आ रही। जब भी बियरिंग खोले लॉकिंग प्लेट हमेशा नहीं लगाएं। आरओएच और पीओएच के दौरान सभी सही डिजाइन और सही स्पेसिफिकेशन के स्टड का इस्तेमाल करें। व्हील सेट हैंडलिंग के दौरान ध्यान दें कि बियरिंग सील सही हो और क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए। बियरिंग का तापमान लेजर गन से ही नोट करें ताकि यह सही टेम्परेचर को दर्शाएं। बियरिंग का ग्रीस सील पर ओवरहॉलिंग दिनांक नोट करें और सुनिश्चित करें कि बियरिंग एक्सपायरी अवस्था में नहीं है। गेटमैन और स्टेशन मास्टर हमेशा ट्रेन के दोनों तरफ से गार्डों के सिग्नल एक्सचेंज अवश्य करें। अब निवारण समय हमें क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में देखेंगे, जिसमें पहले नंबर पर व्हील ट्रेड प्रेशर्ड कंडीशन में हो तो कोच या वैगन को सर्विस में ना चलाएं। बेल्डिंग के दौरान रेल लाइन को अर्थ के रूप में इस्तेमाल ना करें। व्हील के ऊपर फ्लैट प्लेसेस साइज सीमा से अधिक, यानी कोच के लिए 50 mm और वैगन के लिए 60 mm से ज़्यादा फ्लैट प्लेसेस हो तो तब पर भी गाड़ी को ना चलाएं, ना ताकि यह बियरिंग क्षतिग्रस्त ना हो और हॉट एक्सल की समस्या से ग्रसित ना हो। बियरिंग से ग्रीस निकलती हुई अवस्था में वैगन या कोच को सर्विस में ना चलाएं। एक्सल बॉक्स या एडाप्टर को कैंट अवस्था में होने पर सर्विस में ना चलाएं। बियरिंग का एंड प्ले निर्धारित सीमा से ज़्यादा होने पर सर्विस में ना चलाएं। अब देखेंगे कि यदि हॉट एक्सल को समय रहते न रोका जाए तो इसका परिणाम भयंकर होता है। इसके परिणाम के बारे में देखेंगे, जिसमें पहले नंबर पर हमारा कोचों तथा वैगनों में आग लग जाना। सेकेंड हमारा है जनरल का टूट जाना और थर्ड हमारा है ट्रेन का डीलमेंट हो जाना।
हॉट एक्सल की कुछ घटनाएं मानवीय त्रुटि के कारण होती है, जिसे रोकने के लिए आधुनिक साधन अपनाए गए हैं भारतीय रेलवे के द्वारा, जिसमें हम देख सकते हैं एक OMRS जिसका फुल फॉर्म हमारा ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ रोलिंग स्टॉक होते हैं, जो हमारा ऑनलाइन मॉनिटरिंग करते हैं रोलिंग स्टॉक का। सेकेंड हमारा है हॉट बॉक्स डिटेक्टर, जो हमारा रोलिंग इन और रोलिंग आउट जहाँ पर होते हैं वहीं पर पास में लगाए जाते हैं दोनों तरफ। तीसरा हमारा है स्टेशन पर रोलिंग इन और आउट के परीक्षण हट के पास हमारा फोटो टैग कैमरे लगाए जाते हैं, ताकि मानव त्रुटि से कुछ छूट जाए तो उसे कैमरे के द्वारा पकड़ लिया जाए पकड़ा जा सके।